हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम और भी कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 32% ऑफ 425, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अभी देखते हैं क्या करना है इसको। 32% मतलब 32/100 ऑफ मल्टीप्लीकेशन 425, करेक्ट। तो इसको 25 में डिवाइड करेंगे 4, और इसको 25 में डिवाइड करेंगे तो 17, ओके। ये 8, तो टोटल हमारा 17 × 8 कितना आएगा, 136 आंसर। तो अगर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसी इसी तरह इसी मेथड में स्टेप बाय स्टेप मेथड करके आपको आंसर निकालना है। सेकंड और एक लेते हैं एग्जांपल, 16 फुल 2/3% ऑफ 16। तो अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, 16 × 3 = कितना, 48 + 2 = 50। तो 50/3% और ऑफ के जगह मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए। अभी इसको फाइनल में मतलब अभी सॉल्व करेंगे, 50/3 × 1/100 है कि नहीं, क्योंकि ये जो परसेंटेज है हमको इधर डिवाइड करना था, तो डिवाइड किधर करना था, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये हमारा राउंड फिगर में था, तो राउंड फिगर में हम डिवाइड कर लिए। फ्रैक्शन के साथ ये हो सकता है ना, तो इसको हम 1/100 करके ले आए, क्योंकि अगर हम 32 के जगह 32 × 1/100 भी लिख सकते हैं, जो कि 32/100 है। इसी तरह 50/3 के साथ हम 1/100 ले आए, ये आपको याद रखना है, नोट। किसी तरह हम इसको कैसे लाए, ये बस हमें आपको दिखाने के लिए इधर दिखा दिया, बस आपको ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ऑफ 16 है, करेक्ट। अब उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 52 तो कितना आएगा, 8/3 2 फुल 2/3 हमारा आंसर जो भी आओ, पर आपका स्टेप्स करेक्ट होना चाहिए, ओके, तो जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 25% ऑफ 76 रुपीज, कैसे करेंगे। सेम उसी तरह, 25% मतलब 25/100 और ऑफ मींस मल्टीप्लाई 76, बस हमारा आंसर किस में आएगा, रुपीज में आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अभी हमको सॉल्व करना है, 4 इसमें कट करेंगे 2 और इसमें 38, करेक्ट। तो 2 को 38 में कट करेंगे तो 19 रुपीज हो गया हमारा आंसर। बस इसी को ध्यान रखना है, आपका यूनिट किस में आएगा, बस। नेक्स्ट और एक लेते हैं, 7.5% ऑफ 600 मीटर, तो आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर में आना चाहिए, करेक्ट। तो क्या करेंगे, 7.5% 7.5/100 है कि नहीं, और क्योंकि ये परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया, पर इसमें एक पॉइंट है, डेसिमल को हमने अभी तक डेसिमल मतलब पॉइंट हम हटाया नहीं है, तो हटाने के लिए हमको क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम हटाएंगे, इनटू 600,
अभी हमको क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो 75 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/100, इसको हम अलग कर देते हैं, ये हमारा परसेंटेज करेक्ट, और ये हमारा पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट हटा दिए, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो इसीलिए हम 10 मल्टीप्लाई मतलब 10 डिवाइड कर लिए इंटू 600। अभी इसी को सॉल्व करेंगे, दो दो कट हो गया, अभी 2 में 5 3 15, टोटल आंसर हमारा 45 मीटर, क्योंकि आंसर हमको मीटर में चाहिए था, हुआ कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65, करेक्ट, वो नंबर हमको पता नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं, क्या करना है, अगर जो नंबर हमको पता नहीं रहेगा उसके लिए हमको क्या करना है, लेट एक्स, करेक्ट, लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल है, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, 13 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इनटू एक्स ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर हुज, मतलब किसका 30% इज 65, एक्स इज इक्वल टू 65, यही तो ये बोल रहा है ना, 13% 13/100 ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक्स लिया है, तो एक्स इज इक्वल टू इज 65। अभी इसको सॉल्व करेंगे, एक्स हमको चाहिए, तो 65 के साथ हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड है LHS पर, RHS को जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई है तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 13/5, और आंसर हमारा 5 × 100 आंसर आ गया, तो दैट नंबर इज 500 हुज 13% इज 65, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3% ऑफ एक्स इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वो ऑलरेडी एक्स गिवन है, और बस हम इसी में इक्वेशन फॉर्म करना है, इसी में से, मतलब ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो क्या करेंगे, थ्री परसेंट ऑफ एक्स इज 9 डायरेक्टली दिया गया, तो 3/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9, इसी में से हमको एक्स निकालना है, 9 × 100 डिवाइडेड बाय 3, और फाइनल आंसर हमारा 300 आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14, ठीक है, कैसे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 14, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 84, मतलब 84 से 14 वो जो परसेंटेज निकलेगा, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14, ठीक है, तो 14 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 100 कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 7 में कट किया तो 2, ये 12 अगेन 6, और इसमें 2 में फिर से कट करेंगे, 2 3 जा और 50, मतलब आंसर आया हमारा 50/3, ओके, तो इसको हम 16 fold 2/3 परसेंटेज में कन्वर्ट किए, 50/3 को आपको बाहर रॉप में डिवाइड करना है, ठीक है, कर देती हूँ, 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18, और बचा कितना, 2 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो 2/3 परसेंट 16 fold 2/3 ये हो गया हमारा आंसर, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज इज रुपीज 15 ऑफ रुपीज 120? कैसे करेंगे? अभी अभी जस्ट हमने किए थे सेम, तो रुपीज 15 हमारा स्मॉल है वो 15 बाय 120। ओके नेक्स्ट इनटू परसेंटेज हमको निकालना है, परसेंटेज अभी सॉल्व कर सकते हैं, 2 में 6, 2 में 5, 3 में कट करेंगे कितना आएगा 2, 5, तो 25 बाय 2 करेक्ट। 25 बाय 2 को अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज इज रुपीज 15 ऑफ 120? कैसे करेंगे? अभी अभी हम किए थे 15 बाय 120 इंटू परसेंटेज के लिए 100 तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो कट कर देंगे 3 में 4, 3 में 5 करेक्ट, और 2 में 2, 2 में 5, टोटल हमारा 25 बाय 2। अभी हमको ये रॉक में डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 5 2 1, ठीक है, तो कितना आया 12.5%। ये जो 1 बाय 2 होगा हमारा, ओके तो वो 1 बाय 2 हमारा 0.5 है, इसलिए हमने डायरेक्टली 0.5 में लिख दिए। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छे से आप समझ जाओगे। 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स। देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन में रुपीज एंड रुपीज में था, तो इसीलिए हम अच्छे से कर पाए। अभी 36 मिनट है और 2 आवर्स है, तो फर्स्ट हमको यूनिट को सेम रखना है करेक्ट, तो 1 आवर 60 मिनट्स ये सभी को पता है, 2 आवर 60 इंटू 2 जो कि 120 मिनट। अभी हमारा यूनिट सेम हो गया, अभी हम कर सकते हैं करेक्ट, 36 मिनट ऑफ 120 मिनट, ये दोनों हमारा मिनट मिनट हो गए। अभी क्या करेंगे, 36 बाय 120 इंटू 100 हो गया, 2 में 6, 2 में 5, 6, 6, टोटल 30% हो गया आंसर। तो इसी तरह भी क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में और आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आंसर निकालना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।